Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Namaskar, I am Ravi Sharma and you are watching First Bite. Sardana Vidhayak, Atul Pradhan ke khilaf, IMS se jude private chikitsakon ne khulkar morcha khol diya. पैदल मार्च करते हुए ये चिकित्सक जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने डीएम को संबोधित एक ज्ञापन दिया। पैदल मार्च के दौरान चिकित्सक सर्धना विधायक भक्षक है, हम डॉक्टर रक्षक हैं। सर्धना विधायक का विशेष अधिकार अत्याचार अत्याचार जैसे नारे लगाते चल रहे थे। उधर दवा व इलाज के नाम पर अनाप शनाप बिल बनाने के आरोप के चलते पैदा हुए इस विवाद में सर्धना विधायक ने 4 दिसंबर से जिलाधिकारी कार्यालय पर अनिश्चितकालीन अनशन की घोषणा कर दी है। चिकित्सकों के इस आंदोलन को भाजपा ने अपना समर्थन दे दिया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि भाजपा के जनप्रतिनिधियों पर न्यूट्रिमा हॉस्पिटल को संरक्षण देने व उसमें पार्टनरशिप होने के खुले आरोप सपा विधायक व आम आदमी पार्टी ने लगाए। अनशन की सफलता के लिए सपा विधायक द्वारा गाँव में जन समर्थन जुटाया जा रहा है। इसे देखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ और दिन इस मामले में काफी महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। दरअसल 7 नवंबर को सपा विधायक क्षेत्र के एक मरीज के भारी भरकम बिल का विरोध करने न्यूट्रिमा हॉस्पिटल पहुंचे थे। यहां उनके चिकित्सकों से तीखी बहस हुई थी। सपा विधायक का आरोप है कि हॉस्पिटल में दवा व इलाज के नाम पर न सिर्फ अनाप शनाप बिल बनाए जा रहे हैं, बल्कि दवा हॉस्पिटल स्थित मेडिकल स्टोर से ही खरीदने के लिए तीमारदारों को बाध्य किया जा रहा है। न्यूट्रिमा में पर्चे पर चिकित्सक दवा का नाम न लिखकर कोड वर्ड लिख रहे हैं, जो केवल हॉस्पिटल स्थित मेडिकल स्टोर संचालक ही पढ़ सकता है। यह मरीज व तीमारदारों के साथ खुली लूट है। वहीं आईएमए के सचिव डॉक्टर तरुण गोयल ने लगाए गए इन्हीं सभी आरोपों से इनकार किया था। आज मंगलवार को आईएमए के बैनर तले प्राइवेट चिकित्सकों ने अतुल प्रधान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला। इस दौरान आईएमए से जुड़े चिकित्सकों ने यह कहा। आज का ये पैदल मार्च आईएमए की तरफ से आयोजित किया गया है। ये एक विरोध हमास मार्च है और इसमें आईएमए के साथ साथ नर्सिंग होम एसोसिएशन, हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया और डेंटल एसोसिएशन और अन्य कई एसोसिएशन आज इस मार्च में हमारे साथ हैं। आज इस विरोध मार्च का जो उद्देश्य है वो मेनली दो यही है कि आए दिन हो रहे नर्सिंग होम्स और डॉक्टर के ऊपर एक अराजकता का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, जिसमें कि लोग अपने पर्सनल उद्देश्य को रखते हुए ऐसे कार्य कर रहे हैं। आप देखेंगे कि कभी भी ऐसा इस तरह का माहौल अराजकता जब होता है तो हॉस्पिटल के अंदर 2 से 3 घंटे तक ऐसा माहौल होता है कि डॉक्टर्स अपना कार्य नहीं कर पाते हैं और इसके अलावा अन्य मरीज जो है उनके ऊपर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर्स के साथ हुए अत्याचार या नर्सिंग होम में अराजकता का माहौल, इसके लिए हम सभी लोग एक साथ हैं और इसके विरुद्ध हम चाहते हैं जो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट है, जो कि ऑलरेडी 2018 से लागू है, परंतु उसका पालन किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट या किसी भी
अधिकारी द्वारा मेरठ में नहीं किया जाता है और हम चाहेंगे कि इस एक्ट का सख्ती से पालन हो और कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो अभी आपने देखी कि न्यूटेमा में अतुल प्रधान जी द्वारा की गई और वहां पर अनावश्यक 2 से 3 घंटे तक ऐसा वातावरण क्रिएट हुआ कि डॉक्टर्स के अंदर भय का वातावरण हुआ और अराजकता फैली और बाकी सारे मरीजों का इलाज होने में भी बहुत समस्या आई। आज जो आप ये कलेक्ट्रेट आए हैं डीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं, क्या ज्ञापन दिया, क्या आपकी मांग? ज्ञापन यही सब क्या आपको परेशानी है? जो आप परेशानी, आप हमारी परेशानी की आप समझने की कोशिश करिए, वो लूट का अड्डा बना रहे हैं हॉस्पिटल को। प्राइवेट हॉस्पिटल एक दिन बंद हो जाएंगे तो उन्हें पता लग जाएगा। एक दिन की बात कर रहा हूँ मैं, एक मरीज में या मतलब हजारों मरीज भर्ती होते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। तो आज जो आपने ज्ञापन दिया, क्या आपने मांगे रखी है? क्या अपनी मांगे ये रखी है कि अतुल प्रधान की गुंडागर्दी बंद करिए। और मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट, जो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट है वो ये बताता है कि जो अगर कोई भी आदमी जबरदस्ती नर्सिंग होम में घुसता है या उसके किसी आचरण से किसी दूसरे मरीज का प्रभाव होता है या कोई तोड़ फोड़ करते हैं, शीशा तोड़ते हैं, डॉक्टर के साथ अभद्रता करते हैं, तो उस पर मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट है और ये नॉन अवेलेबल है। हमारी ये मांग है कि उसने अभद्रता की, उसने जबरदस्ती घुसा, 40 नहीं होंगे 30 होंगे, इतने आदमी साथ हैं, जनप्रतिनिधि साथ हो सकते हैं, जबरदस्ती बातें की हैं, जबरदस्ती मरीज को ले गए, आज तक मरीज का बिल नहीं, जो कह के गए थे वो बिल नहीं दिया आज तक, क्यों? ये जो आपने जो अतुल प्रधान वाली बात है, डिप्टी सीएम के कहने पर ही जांच हुई और कार्रवाई हुई और आप सारे डॉक्टर डिप्टी सीएम से मिलकर के आए थे, तो वहाँ पर आपकी क्या बात हुई जो अब आपको दोबारा सड़कों पर उतरना? दोबारा सड़कों पर डिप्टी सीएम अपना प्रशासन काम कर रहा है बिल्कुल एक तरीके से जो कानूनी रूप से करना चाहिए, पूरी कार्यवाही हो रही है। डिप्टी सीएम को हमें सूचित करना था, ये लोग विधानसभा में उठाने की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव जैसे समय ले रहे हैं कि विधानसभा में इस मैटर को उठाएंगे। डिप्टी सीएम ने डीजीपी को फोन कर दिया कानून व्यवस्था के हिसाब से। हम लोग इसलिए आ रहे हैं कि अतुल प्रधान डेली हस्ताक्षर अभियान किस लिए, इसके लिए, अपनी राजनीति के लिए, क्यों? वो सड़क पर आ सकते हैं, वो एक नैरेटिव चला रहे हैं कि डॉक्टर्स के अगेंस्ट नैरेटिव चला रहे हैं। अब अगला कदम डॉक्टरों का, अगला कदम अगर वो अनशन करेंगे हम लोग अनशन करेंगे, वो सड़क पे उतरेंगे हम सड़क पे उतरेंगे, वो धरना देंगे हम धरना देंगे, हम एक सभ्य तरीके से करेंगे, सांकेतिक धरना देंगे। हमारे साथ डेंटल एसोसिएशन है, हमारे साथ नर्सिंग होम एसोसिएशन है, हमारे साथ नीमा है जो अदर होम्योपैथिक एसोसिएशन है, हमारे साथ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है, हमारे साथ आज वकील साहब से मिलेंगे, हमारे साथ कल मेरी जो सेक्रेटरी विनोद चौधरी से बात हुई है, उनको वो उनका सबका समर्थन हमारे साथ है, हम लोग कुछ गलत काम नहीं करते। इस खबर पर बनी रहेगी हमारी बराबर नजर, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट। नमस्कार।